मैं आपका होस्ट डॉक्टर सुशील कुमार, और हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो रिसर्च इंटीग्रिटी की कर रहे हैं। 2 अक्टूबर नेशनल इंटीग्रिटी के लिए सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्कशन है, वो रिसर्च इंटीग्रिटी को लेकर के है। और मेरे साथ में प्रोफेसर दीपायन भारद्वाज जी हैं, प्रोफेसर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, JNU, न्यू दिल्ली। तो हम लोगों का जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा अबाउट टू दी रिसर्च एथिक्स, अबाउट टू दी पब्लिकेशन, प्लेगरिज्म क्या है, एंड इमेज मैनुपुलेशन, या फिर आप कहें डाटा मैनुपुलेशन, और कुछ इस टाइप के जो पॉइंट हैं जो रिसर्च को स्पॉइल करते हैं, राइट? तो वी विल ट्राई कि जो ऑडियंस है उन तक वो मैसेज पहुंच जाए कि जो प्रॉब्लम्स हैं इन टू दी रिसर्च, वो वहाँ पर जो है किस तरीके से उससे बाहर आए, और किस तरीके से एक जो यंग जनरेशन है हम उनको सेंसिटाइज कर पाए। तो कोई भी रिसर्च जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके एक अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक एम होता है फॉर दी मैनकाइंड या फिर सोसाइटी के लिए, और उसके बाद फिर हम एक अप्रोच डिफाइन करते हैं कि वी विल यूज दिस काइंड ऑफ अप्रोच। वो एक्सपेरिमेंटल होगी या सर्वे बेस होगी या कोई भी आपकी मेथोडोलॉजी, डिपेंड करता है ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन आफ्टर वी कलेक्ट सम डाटा, उन डाटा को फिर हम एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर वी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब ये जो प्रोसेस है ये एक ऑथेंटिक और एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है किसी भी जेन्युइन रिसर्च के लिए। तो यहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है, देन आफ्टर जब हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ द ग्राफ्स, राइट? तो वहां पे जो रिजल्ट है उनकी जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, अगर हम उससे इधर उधर फॉर द सेक ऑफ नेम या फॉर द सेक ऑफ डिस्कवरी जब हम लोग यूज करने लगते हैं, तो वो जो एथिक्स है वो किस तरीके से डिस्टर्ब होंगे या किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इन्हीं पॉइंट को लेकर के। और फिर ये जो रिजल्ट है जब हम पब्लिक के सामने थ्रू दी पब्लिकेशंस और थ्रू दी जर्नल्स लेके जाते हैं, तो फिर वो जर्नल्स जो हैं या फिर जो जर्नल प्रैक्टिस हैं तो वो क्या है, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट रहेंगे जो मैं दीपायन सर के साथ में बात करके ट्राई करूंगा कि आप तक मैसेज क्लियर हो जाए। तो सर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म मेरा मेरी साइड से, मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा जो रिसर्च इंटीग्रिटी है उसकी अवेयरनेस अपने छोटे से एक सर्कल के अंदर लेकर के आऊँ, और वो यंग स्कॉलर्स हैं या PG स्टूडेंट्स हैं या फिर BTech के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं, कहीं भी वो जो स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स हैं जो यूज करते हैं रिसर्च को, वहाँ पे वो एक अवेयरनेस है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। एंड स्टार्ट जो मैं करना चाहूँगा आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस करना चाहूँगा, क्योंकि आपका फील्ड बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है जहाँ पे बायोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजी भी है, एक फ्यूजन है ऑफ दीज टू थिंग्स। तो एक और कहें कि एक ऐसा एरिया जिसको जहाँ सोसाइटी को आपके एरिया की रिक्वायरमेंट है, राइट, फॉर दी डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज, तो आप थोड़ा सा सर अपने बारे में बता करके थोड़ा सा एक रिसर्च किस तरीके से करते हैं या कैसे या क्या ट्रेंड है उसकी एक फाउंडेशन आप रखिए। श्योर। सी दैट राइट नाउ आई एम ए प्रोफेसर इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड आई फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, आई माई रिसर्च फील्ड मोस्टली आई वर्क इन ए CSR नेशनल लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। देयर आई स्टार्टेड वर्किंग इन द डायबिटीज टाइप टू डायबिटीज फील्ड। It's a mixed field of everything in the lifestyle disorder, whatever you say, dyslipidemia, obesity, everything together. And I tried to find out the associated genetic component of these complex diseases. And most of my papers along with those things, we got some of those new genes, but those are associated. And in my laboratory right now, we are doing functional studies to find out what kind of biology in the context of type 2 diabetes those genes are doing in the human cell culture system. But you ask about the biotechnology. So there my view may be a little different. See that whenever we are talking about, this is a serious thing.
I am just teaching 5 years. So Professor Lakhotia is that all the time teaching. So I do not have that much experience, and he's a fantastic teacher so far, from many of his students are telling. So biotechnology, if you find, it's comes with a technology. So there is a fallacy, because who are doing that syllabus and what we are understanding? Because if you find the technology, we are in the forefront with all of our original 5 IITs and lots of National Institute of Technologies and other things like that. But here, biotechnology obviously tried to mean the technology using the biological knowledge to help the human civilization, but which is not in the most of the cases. Since to get yourself as a student after higher secondary to any engineering colleges, you need to have mandatory mathematics in class 12. So without mathematics, you cannot sit for that NEET exam to get yourself in joint entrance, combined joint entrance to in the engineering colleges. So except in the engineering colleges, IIT and other, that those students who are going there, they're mandatory class 12 mathematics, and they go there and they, your first year, if I think know correctly, they do all of those common physics, chemistry, mathematics and everything. But in the universities, central universities, and where biotechnology happens, we never prescribe that we also need mandatory that class 12 math. So also these syllabus entirety being written by the molecular biologist of my earlier generation. So when they think that biotechnology from their viewpoint is nothing but molecular biology and cell biology. Okay. Technological point is 100% missing. And for the technology point of part, Department of Biotechnology never invite IIT engineers and others to change the syllabus. Because if we change the syllabus in the real practical point, then who will teach? Then as a biologist, we are not that much capable to teach biotechnology. So wahi mark aa gaya Hindustan. So now whatever we are teaching in the biotechnology is nothing but refined molecular biology. Okay. And that's why after passing the biotechnology MSc from JNU or other university, they are not marketable in the industry. Forget about the industrial biotechnology development in India, that's a separate thing. So whenever we say technology, we should think about math, we should must think about the physics, and we should ask for the students who are coming with the class 12 math background. So that is my background. I just teach advances in genomics and eukaryotic molecular biology and genomics, human genetics in this university, JNU. And you know, JNU is a unique university where only master student mainly, except for the literature schools, only master students are there. जी ये तो हुआ आपका आपके सब्जेक्ट का और जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपने अभी जो पॉइंट आउट किया और ये मैं देखता भी हूँ कि मैनी कॉलेज है जस्ट स्टार्टेड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स एंड देन आफ्टर दे either switch off that courses or I don't know the reason, but many of the college has just switch off the courses. The reason may might be the technical point, the technology which basically were using into that, wo limitations ho sakte hain. Research ke points obvious hai, aap kis tarike se jab research integrity ki hum log baat karte hain ki research integrity is a important parameter इन दिस एरिया जहाँ अकेडमिक्स है, रेगुलर टीचिंग है, वहाँ पे रेगुलर रिसर्च भी है और रिसर्च के अंदर भी कुछ अप पॉइंट है, कुछ डाउन पॉइंट्स हैं, लेकिन जब रिसर्च इंटीग्रिटी की बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एथिक्स की बात करने लगते हैं. एथिक्स, रिसर्च एथिक्स हैं, वो क्या है और किस तरीके से हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, दो जो आर बेसिकली एस्पिरेंट्स फॉर द पीएचडी डिग्री, या फिर कहें कि जो अकेडमिशियन है एंड दोज हु आर रिक्वायर्ड पीएचडी डिग्री, तो किस तरीके से हम लोग उनको सेंसिटाइज करें कि जो माल प्रैक्टिसेस मैनी पीपल आर फॉलोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पब्लिकेशन और फॉर द सेक ऑफ नेम और कुछ इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं,
जो रिसर्च स्पॉयल हो चुका है, तो कैसे उस चीज को हम लोग रोक सकते हैं? तो लिटिल अबाउट ये आपके पॉइंट। जैसे बड़ी बात आपने बोल दिया, हाउ वी कैन स्टॉप दिस थिंग. सो दैट इज दिस थिंग. सो आई डू रुक नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू स्टॉप दिस थिंग. सो बिकॉज इज अ नेशनल एटीट्यूड. सी दैट इंटीग्रिटी और रिसर्च इंटीग्रिटी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर टू वेज. वन इज द जी प्लेजरिज्म एंड जी अनदर इज द डेटा मैनिपुलेशन. ओके सो आई विल टेल यू दैट सम ऑफ दोज थिंग्स दैट इफ वी कैन चेंज. फर्स्ट थिंग इज लाइक दैट हाउ यू बिहेव, बिकॉज दैट योर किड्स विल बिहेव इन द सेम वे. वेन मेरा बच्चा पैदा हुआ, देन दैट पर्सन, दैट छोटा बच्चा विल ऑलवेज लुक एट हीज और हर पेरेंट्स, हाउ दे बिहेव, वॉट द वैल्यू सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. उसी टाइम में दिस इंटीग्रिटी तैयार होता है, दिस एथिक्स मॉरल वैल्यूज तैयार होता है. जी वी हैंडल स्टूडेंट्स ओनली वेन दे आर कमिंग इन टू दैट एटलीस्ट बी एस सी इन द यूनिवर्सिटीज, एंड इन माई केस वेन दे आर कमिंग टू द मास्टर्स, दे आर ऑलरेडी एडल्ट्स. सो दे हैव देयर ओन वैल्यू सिस्टम. And there, how much we can do. Actually, we are also born and brought up in the same way, depending upon the family. But the thing is like that in India, so I am not talking about the plagiarism side, because as you were discussing earlier, that Professor Lakoti already touched that. And that is, plagiarism is killing us from in all science, social science, in everything like that. And because when we started, like last 50, 60 years, we never realized that digital system will come there. So where we were doing research using manually current contents, and with the twinkling of a button, everything globally will in my hand, and I can compare immediately even what I published 12 years ago, whether same paper, same figure I used after 20 years, that is also pakad jayega, because ye to pehle possible hi nahi tha. So but thing is like that India, this data manipulation system what I will talk about, I was interested after seeing a Puppeteer one website. It is six, 7 years back it was started. Puppeteer. And in the Puppeteer, right now it's almost 90,000 papers with the controversial things are being reported. And now they have started that 39,000 plus at today people have recently commented. When they started, obviously it was started in United States by some volunteers, when saying that with the peer pressure it is being increased. And then they found that obviously the most papers, 65,000 papers, obviously from US, number of papers, obviously, because they have the lots of people working, lots of funding, so fraud with lots of. But one thing is like that, density is very low. When I'm talking about the total scientists and this manipulation, in the biomedical field, obviously, now they are coming to the theoretical sciences also and everything. But I understand biomedical field. So in the biomedical field, that concentration is highest in China, India, and Iran. Why? Then I realized, then I went back there and I checked, even in USA, top scientists, the Nobel laureates, fundamental discoverers, they never do that. I mean, rarely they do that. There again we find the name, the Indian origin, Pakistani origin, Philippines origin, Chinese origin, those students. So then it struck me, this is an ethical problem, starts from home, again it's come. And now when I see in my country, I see that if you see, they check this thing, this our evaluation system, our assessment, all are by that award base. Right. Because we have lots of awards, and then we only see how many awards or fellowship of the National Academy of this kind of thing. And only we see that awards, if you go to the award committee, I was unfortunate never been in award committee, but what I see from my friends and my seniors, my peers, they only that in any committee, nobody, you can quote me, read the papers, evaluate and then go to the committee. Like the project award committee, nobody reads the project. They go there predetermined whether they know the face and others. It's very sad, but it is true. And then award committee, if you do not read the paper, you are not aware of the literature, then how can you judge whether it is a fundamental or not? We are giving the best prize, Vatnagar Prize, that we are calling this a Nobel Prize of India, to the people, only seeing how many papers that person published, what is the impact factor, and also if there are two or three of them at the top, whether they belong to the certain club.
and then we give the award. That's why that in the last 70 years that none of these Bhatnagar award is end up in Stockholm. That is because we never judge their fundamental discoveries. We only judge that. And this award-based evaluation system, award-based everything is killing this society. Now to get the award is most important. So people started fudging data, manipulations and everything. Not always that many, there are only two things. When I see this and I see that there is a trend that nobody was bothered to even reply to the peer papers initially. Now for the last almost 2 years when I'm putting them in my websites and then chota to asar huai, abhi everybody is whatever the answer they try to give their answer. But my point is like that, there are only two ways, there are different ways. You'll have to think that always probably they are not many of the first venture that that means that first authors are not aware of what we can do and what we cannot do. We never talked with them. When I was doing JEL in my PhD days, at that time you remember Kodak film, negative, positive, so you have your after picture, your those things, then using stencil, we put lane number one, lane number two, lane number three, like that. Right. So you do that, and usi time mein bhi fraud hota. Ye nahi hai, usi time mein fraud nahi hota. But slowly wo bhi pakar jayega. But now is a digital. So digitally, when you are taking the gel image, then you can change contrast, you can crop these, you can do many things. So it is onus on us as a mentor to teach some classes, to show some people. Ye mera abhi tak mere ko koi bola nahi, but I am just all the time very eager to tell all over India the young researchers that in digital days, how far you can go. See that you will have to modify figures once, that when you are getting the figure to make it beautiful, either you change the contrast or so that everybody will be saying, oh, what a beautiful picture. That age is on you and you should use this. But we need to teach them that how far you can go and what Lakshman Rekha you cannot cross. My point is like that. You modify once for all one picture. And that's it. And then you send to all journals. You cannot, in the same picture, you cannot modify contrast or modify lanes when you are sending it to different journals. That you cannot. But you can modify definitely fast and once for all. But if you modify all the time, then in the methodology, you must write that in this picture, I modified this. But when I'm using this picture here, I'm modifying this. And let reviewer say what you are doing or not. So there are only two possibilities for the mentors, for the communicating author here also. Either you say that main janbuch ke kiya. I do not believe that if, anybody in this search for truth, which is science, can do janbuch ke. If you janbuch ke kiya, then you are dishonest. If you janbuch ke nahi kiya, that means you are not capable of mentoring students. You are not sitting day to day with the raw data. You are not sitting, because when you publish a paper, if I go through that thing, first draft, then you sit with the students, correct, second draft, then which journal, you decide the journal, along with the journal pattern, we write it down. Then also all figures we test, then we send after final writing to the journal. If it goes to the review, reviewer asks something, you again answer. And when in the final form they accept, then they send the galley proof, then you are saying, so there are at least 10 times you can check the figures and everything. Still figures are going out of your hand and you are finding image duplication. Then you are incapable of guiding a student somehow. Then you cannot aspire for administrative position. So there is no other way. If a picture goes wrong from your hand, so either you are dishonest or you are incapable of mentoring a student properly, because of the more and more we are being age senior and more committees we are sitting. That's another point I will touch right now as a solution. So then you cannot capable to mentor a student properly, then you cannot aspire to become director. But wahi ho raha hai, jitka jitna paper usna hi utka bhav hai. That means jokingly I was saying
that he who has the largest number of papers, that person can successfully die. So that is the situation. So this mentoring is important, and also the committee. If you find in our country, there are the same people are sitting in 50 committees. Yeah. So these 50 committees, this glamour as a mentor, we will have to decide that if not decision, then we will have to think about some rule. One person cannot sit more than one or two committees. Because the moment you are sitting in 60 committees, then we are not superhuman that in 60 committees may be baithunga and then all parke bhi jaunga committee mein. This is not possible. Mm-hmm. But if you are only in a project evaluation committee or only in a award evaluation committee, then you have enough time to read and go there. Right. So this is also the putting same person in 50 committees, we are actually doing discredit to the nation and discredit to that person. Because wo to 50 committee mein jaake baitha raha hai. So these are the totality you will have to think and go from then. I think now this teaching of the publication in the digital era, the ethics, there should be in the curriculum, and you should pay attention to teach our young researchers. And in that way, we can say that how far you can go and where you cannot cross. And after that also, we can find these things, then you will have to take steps. Steps doesn't mean, because somebody asked me that, see, initially when I was publishing this thing in my Facebook, all of those data, yeah, then PSA, Principal Scientific Advisor to Prime Minister, called me. And when I asked that, sir, why you are not taking steps, he said that these are legal things and others. So I told him this same thing, that maine nahi bol raha hai uska nakri kha lo. Wo bhi to in some cases you are doing, some cases you are not doing. See that I remember a case in IMTEX, yes sir, where a person lost his job, lost, nikal diya. Because uska 23 or 24 paper papier mein aur kisar mein garbar wala tha. But then why you are not taking job to the other? So there also comes that how close you are in the club. So my point is like that, nakri mat khao. But I told him that why you are not stopping that person's budget, scientific budget. Why you are not stopping giving student to that person? Because uska bhi to satyanash ho jayega. Because that we are always following USA. Because no matter what, 70% every year of those Nobel Prizes go to them, whether you like or hate or whatever like that, USA is a big giant in this field. So they are doing these things. Nakri nahi kha ke usko research band kara do, budget band kara do, student mat do, kuch to message do. Kuch to message nahi de raha. Now what is happening, now recent, whenever they are giving any award, they are checking the papier. So young researcher is being victimized. I will not say victimized, that being taken care of. But in the committee who are sitting, why they are saying that they are in the upper echelon of the status? Who will check them? Yeah. So my point is the solution, there will be ethical classes, ethical these things, mentoring. But it should start also from the from their birth, in their rearing. Because what is the values and moralities that we can inculcate? I got actually two points, two three points here. एक तो पहला जो point है वो आपकी side से ये रहा कि जो PhD या research join करता है वो जिस stage में join करता है उसकी अपनी कुछ family और environment values हैं, और उन values के साथ में ही वो जो अपना जो भी work है वो start करता है, and those values basically incorporate naturally into the research work also. Sure, everywhere, and whatever you are doing, you earn your values and moralities from your family. Or when you see, I see my daddy or my mama or my grandma, what they are doing, what kya karna, ek jo naya bachcha paida hua, usko aap follow karo, uska to kuch pata nahi hai na, usko main sikhata hu kya sahi hai kya wrong hai. ये करने के बाद बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है तब ऑलरेडी 19-20 इयर्स, सो एवरीथिंग. एंड हम लोग को पास जब आता है पीएचडी करने में और इवन एमएससी करने में, वो तो 20 बरस 22 बरस तो हो ही गया ना. सो उसका वैल्यू सिस्टम तो तैयार ही हो गया. देयर यू कैन नॉट ब्लेम द टीचर्स, बिकॉज वो तो वैल्यू सिस्टम लेके ही आया. सेकेंड थिंग इज अबाउट टू द जो मोटिवेट करते हैं वो रिसर्च अवार्ड, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, इम्पैक्ट फैक्टर,
ये कुछ इंडिया के पैरामीटर्स हैं, अवार्ड वेज इवैल्यूएशन, दैट इज डेंजरस एंड दैट इज क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। और वो जो इम्पैक्ट है ऑन द स्कॉलर्स माइंड वो कैरी करता है, एंड व्हेन द स्कॉलर बेसिकली बिकम्स ए रिसर्चर एट सम प्लेस इन रेपुटेड प्लेस जैसे भी, तो वो कहीं ना कहीं स्पॉइल करता जाता है तो वो एक आप कहें कि उसमें कोई एक लेवल नहीं है, वो हायर लेवल ना, वो तो डेयरिंग बन जाता है। हाँ। वो तो दे नो दैट आई नाउ बिलोंग टू ए क्लब, डेयरिंग बन जाता है जी। तो अब यहां इफ यू फॉलो ईच इंडिविजुअल ट्रैक ऑफ दोस मिड लेवल साइंटिस्ट हु आर वेरी prominent in national laboratories or somewhere, you will find, I can give you names, that jiska faulty papers PhD karne ka time mein tha, jiska postdoc ke time mein faulty paper tha, jiska independent lab mein series of faulty paper hai, aise bahut aadmi hai, because more and more you do, and you think that is the trend, because that is that the, our top people are doing this, so isme kya fault hai? And another thing is, that's what I was saying, that if you do something wrong in a cutting edge science, if you say like those sun actually revolves around earth, then people will challenge you. But if you are not doing cutting edge, see that if you want to publish in JBC, there are trained characterization of enzyme or something very. So you did, you have a JBC, nobody repeat that. So nobody repeat that, so aap to mahan ho, aapka 20 JBC ho gaya. बस ऐसे लाइन में काम कर रही है, बिकॉज यू नो द ट्रिक्स टू पब्लिश इन जेबीसी, बट दैट इज नॉट द कटिंग एज, सो नोबडी विल गो देयर राइट नाउ इन द क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। इफ यू से समथिंग न्यू, देन इफ इट इज नॉट राइट, आप पकड़ जाओगे, बिकॉज 2000 लैब ग्लोबली डूइंग दिस। बट इफ यू आर डूइंग वेरी ओल्ड एरिया, यू आर डूइंग समथिंग एंड शोइंग समथिंग, नोबडी विल बॉदर टू रिपीट दैट, बट यू हैव 20 जेबीसी, सो आप महान हो, भटनागर मिल गया, उसके बाद 3 एकेडमी का फेलो हो जाओगे, और कुछ बोलोगे नहीं करोगे तो मेरा ले मेरा जैसा अच्छुत हो जाओगे। सो व्हेन यू आर सीइंग दिस, इट इज ऑब्वियस द यंग किड्स विल फॉलो व्हिच रूट। तो एट दिस स्टेज एक्चुअली नाउ द स्कॉलर हैव टू डिसाइड दैट व्हाट द अप्रोचेस दे आर फॉलोइंग, दे फॉलो द एथिक्स और नॉट। So the important point is for the research to maintain the to bring out the truth related to that science, not to get inspired from the medals, from the scholarship and awards like these things. So important point यही आया कि अभी जो point है ये अगर आप कुछ microscopic field हैं जहाँ आपकी biosciences है, medical के अंदर है, या फिर nanotechnology physics के अंदर है जहाँ image manipulation या data manipulations के chances सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, राइट। लेकिन जो प्योर साइंसेज है जहाँ ग्राफिकल या कुछ उसमें अभी कम है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है वहाँ इमेज मैनिपुलेशन बहुत बड़ा है। और उसी डॉक्टर कुमार, दैट इज दैट बिकॉज उधर में डाइसेक्शन नहीं हुआ। नाउ दिस इज साइंटिफिक मैनिपुलेशन इन इंडिया, इन माई कंट्री इज रैम्पेंट, इज अ मेटास्टेसिस, इज नॉट लाइक दैट बायोमेडिकल साइंसेस एंड अदर्स। व्हाट यू से एग्जैक्टली नैनो, बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो फंडामेंटल्स ऑफ नैनो इज वेरी पुअर, उसमें सबसे जाली हो रहा है। बट दैट डजंट मीन्स आवर फिजिक्स मैथमेटिक्स ऑल आर वेरी सेफ। इफ यू फॉलो पापियर रिसेंटली, दोज थियोरिटिकल पेपर्स ऑल्सो कमिंग एंड दोज डिस्कशंस, मेनी थिंग आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेरा ज्ञान बहुत कम है। बट व्हेन आई फॉलो देम, देन आई एम सीइंग दैट वर्ल्ड एक्सपर्ट्स आर चैलेंजिंग वन बाय वन, वो भी आ रहा है, वो भी खाता खोला अभी भर जाएगा। Because this is the thing, that is the source, that I do not know that here only I am seeing you. If Professor Lakhotia is there, then he can say whether I am right and wrong. This is rampant. This is actually rampant. That this is not like that, that physics, chemistry, mathematics are safe. Because Nobel Prize is given in all of those areas. Because इस बार और एक है उधर में जब award giving कम आदमी बैठता है, so now अर्लियर मेडिकल फील्ड में भटनगर में एक अवार्ड देते, अभी उधर में भी दोनों देना चालू कर दिया। दैट मींस अवार्ड गिविंग कमिटी में 2-4-5 जो जो बहते हैं हमारा पीयर्स, देन दे उसका मारा पीटा होता है, दैट हमारा कैंडिडेट को दिया तो इसको भी दो आधा आधा दे देता है, एंड दे के करते हैं। तो 7 फील्ड के लिए 14 को
फंडामेंटल हमारा भटनागर अवार्ड दिया. सो दैट मीन्स एटलीस्ट 14 फंडामेंटल डिस्कवरीज बीइंग हैपन इन माय कंट्री. ये 14 फंडामेंटल डिस्कवरी हुआ मेरा देश में तो मेरा देश का हालत ऐसे खराब क्यों है? 14 फंडामेंटल से जो मैग्नीट्यूड ऑफ पैटर्न निकलेगा उसमें तो हम बढ़ जाएगा, तो हमारा हालत खराब क्यों है? एंड दिस भटनागर अवार्ड, अनदर वाई भटनागर अवार्ड विल बी ओनली 45 अवार्ड, बिकॉज सी दैट हिमोफ्लाजिलेट में वो स्प्लाइसिंग हुआ, द पर्सन शोड व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट 75 इयर्स ओल्ड, दैट्स अ फंडामेंटल डिस्कवरी. सो वो क्यों हुआ? बिकॉज इज ए कोटरी, 45 तक वो रेबेल होगा तो उसको मैं भटनागर दिखाऊंगा, सो वो हमारा बॉस में रहेगा. सो दैट्स अ थिंग. सो फंडामेंटल डिस्कवरी के ऊपर नहीं दोगे दैट देन तो जितना भी छोटा हो, वन लाइनर इज जस्ट लाइक इफ आई रिमूव दैट वन लाइनर, सो दैट साइड इज नॉट ग्रोइंग. सो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग उतना महान है, व्हाई यू कैनॉट गिव द कॉन्सेप्ट लाइक कैंटिलीवर ब्रिज और समथिंग्स लाइक दिस थिंग्स. इफ यू फाइंड इमीडिएटली रिगार्ड बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द इंडिपेंडेंस इरा, उस टाइम में बहुत सारा आदमी थे, दे कैन थिंक, दो साइंटिस्ट थे. फॉरगेट अबाउट दैट, मेरा जो टीचर थे, आई एम तो उतना डायनासोर नहीं हूं. सो 80s में, 80s टू 90s, दिस टाइम में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मेरा जो टीचर थे, वो टीचर का कैलिबर मैं तो देख नहीं रहा हूं, उसको ऊपर तो कोई उंगली नहीं रख रहा है. मेरा टीचर थे अरविंदो मुखर्जी, जो बाहर से उसी टाइम ले यूसी बार्कले से पीएचडी किया. यूसी बार्कले ग्रेजुएट स्टूडेंट इज नॉट ए मैटर ऑफ जो कितना जीआरई स्कोर लग दे है. वो क्लास पढ़ाते हैं एकदम जस्ट पिक्चरस क्लास पढ़ाते हैं. सो वो भी तो आजकल मिसिंग है ना. सो व्हाई दिस डिटोरिएशन दैट उसी टाइम में जेसी बोस, सीवी रामन, ये जो फिजिसिस्ट शाहा, तो कितना बड़ा बड़ा बंदा थे, एंड ऑल ऑफ देम दे डिडंट गेट ए सिंगल पाइस ग्रांट फॉर गवर्नमेंट फॉर देयर डिस्कवरी. दिस इज दैट अनदर थिंग थ्रू रिसर्च आई एम टेलिंग, नन ऑफ दोज पीपल ever received those grant for their fundamental discovery of boson or anything. So uska passion tha. Aur hamara idhar mein kya ho raha hai, jab bsc pass karne ke baad kuch nahi mila, msc padhta hai, msc ke baad kuch nahi padha, jaake phd padhta hai. To uske baad without passion to wahi hoga na. So this is not a single thing solution. We will have to think in the higher seats of learning, only passionate people will come and join. So, यहाँ एक और पॉइंट मुझको फिर अभी ऑब्जर्वेशन में आया कि जो एक्सक्यूजेज हैं कि पीपल एक्सक्यूजेज कि उनके पास में रिसर्च फंड्स नहीं है या फैसिलिटी नहीं है, वो कंस्ट्रेंट एक्चुअली अगर पैशन है तो रिसर्च के लिए तो कुछ भी नहीं है. इफ यू कैन ब्रिंग आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द फंडामेंटल साइंसेज, यू पैशन के थ्रू ही आ सकता है, वो किसी बजट के थ्रू या किसी फेलोशिप के थ्रू नहीं आ सकता है. So, no, Dr. Kumar, that I will agree with the demand also. See that here you touched another point, very important point. Duniya mein aise koi desh nahi hai who is developed without their university system. America is America because all the universities are great. MIT, Caltech, Harvard, University of California system, all are super. That University of Massachusetts at Worcester, उधर पे भी चार नोबेल लॉरिएट है, शिकागो यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो एवरीवेयर द टॉप कंट्रीज, दे हैव द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम. एंड इन इंडिया वी हैव द रबिश यूनिवर्सिटी सिस्टम, बिकॉज आई एम इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. Yes. And here, whatever results is done by national laboratories, but national laboratories also has the mediocre people. In America, national laboratories are only doing on the defense mandate. Those they are Lawrence Livermore or your Los Alamos National Laboratory, jo pehle atom bomb discovered kiya, those are. Mm-hmm. But here, only national laboratories are doing research, CSIR, DVT, ICMR, those things, and by mediocre people. So now they are not fulfilling the CSIR mandate. So now, and biological students, faculties are in a precarious position. वो अच्छा paper भी नहीं करते हैं, और लिखने का time में लिखते हैं, जब project मिलने का time में
मैं मेरा ये प्रोडक्ट देगा वो पैटेंट देगा ये देगा वो देगा बोलता है। सो फंडामेंटल डिस्कवरी छोड़ के वो जोड़ने जाता है कमिटी का डर में, उसके बाद कुछ नहीं देता है। बट अंटिल एंड दिस यूनिवर्सिटी सिस्टम इज डेवलप एंड आफ्टर कमिंग टू जेएनयू अंडरस्टैंड हाउ पैथेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द साइंस एंड अदर डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी हैज एंड ऑल्सो दैट पॉलिटिक्स इज डीप रूटेड इन यूनिवर्सिटी सिस्टम, वी कैनॉट विदस्टैंड ईच अदर कॉलिग देयर। अच्छा से कोई दोस्त तो नहीं है, इमीडिएटली दुश्मन बन जाता है। एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज चाहिए। बट आई एग्री विथ यू इफ यू आर पैशनेट दैट सोवियत रशिया वो दिखा दिया दैट देयर आर फेमस केमिस्ट देयर दैट देयर आर आई फॉरगेट द नेम ऑफ द पर्सन मर गया, उसका लैब में 97 केमिकल्स था। सो ओनली डिपेंडिंग अपॉन दोज 97 केमिकल्स ऑल द टाइम ही डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स। ये ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेरा एक टीचर थे डॉक्टर अमरनाथ भादुरी, ही वॉज लेटर डिरेक्टर ऑफ IICB कैलकाटा, बट बिफोर दैट ही वॉज ए जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सो डॉक्टर अमरनाथ भादुरी डीड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जो एन आर्बर मिशिगन एंड एन आर्बर। सो उसका लैब में इन जादवपुर यूनिवर्सिटी में रेमिस सेंट्रीफ्यूज, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऐसे दो चार इंस्ट्रूमेंट था। बट इन एवरी ईयर फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री he published JBC minimum 2 to 3, because wo mere ko bola I always think about the problem which is solvable with these things. So ye je soch hum log brain, because brain is the only thing which separates us from the other animals, wo samal karna hum log bhul jate hai when we do research. ओके तो अब ये जहाँ जो पॉइंट आपके पीयर के थ्रू पॉइंट आउट हुआ कि जो रिसर्च एथिक्स है वो किस तरीके से स्पॉइल हुए हैं, फिर उसका इम्पैक्ट ऑन द रिसर्च इंटेग्रिटी एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स बेसिकली जो वहाँ उसको डाइवर्ट करते हैं उस पॉइंट को, और इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क भी है। आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है, बड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? सॉल्यूशन ऑल द टाइम हो सकता है, सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता है? सॉल्यूशन तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो एथिक्स का क्लास लेना है, कितना नहीं करना है, इन एक दो चार्ज में दैट यू विल हैव टू हैव सम टोटल दैट लॉ दैट इसे करोगे पकड़ जाओगे तो एक दो तो इंस्टेंस में पेनल्टी लगाना होता है ना। इफ यू डू नॉट डू दैट एवरीथिंग गोस स्कॉट फ्री, इधर में कुछ नहीं है, देन यू विल हैव प्रॉब्लम। सो दैट आई डिडंट से दैट इसका कोई रेमेडी नहीं है, रेमेडी तो है ही, विदाउट रेमेडी कोई चलता है क्या? बट रेमेडी करने के लिए तो तैयार होना होता है ना, बिकॉज अवार्ड बेस्ड इवोल्यूशन सिस्टम इज खराब है। Recently, because 70 years that I think your 19, I'm giving you one statistics. Yeah. Mera documented statistics hai. Yeah. Anyone wants, I can show. I didn't give the statistics early. I started doing research on Bhatnagar Award because these are openly available data. So I finished Bhatnagar Awardees in biological sciences. Okay. In biological sciences, Bhatnagar Awardees started giving from 1960s. 1960s to 2019, I analyzed. Okay. So total 99 scientists got this coveted prize in Bhatnagar Award, and it's a lifelong award that every year travel fund, this fund, why I do not know. Then I found that is very much interesting that their problem, that what is their problem? There are problem that these people, many of these people are having blatant papier manipulation. See that total 99 scientists got coveted prize, among them total 30 scientists have at least one papier paper, at least one papier paper. And also what is that, that the and some of them are, of course, a few of them co-authored, that जिसको एक है सबको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा का co-author है and not corresponding author. So 30.3% researchers are pop peer. But I have noticed that from 1962 to 80, there was no blemish and total scientists were 27 in that period. If I remove that 1962 to 1980, then 27 from 1999, then total stands 72, and then percentage of pop peer
community increased 41.6%. Oh my God. So it is a huge number, and these are all Bhatnagar awardees in biological science. And I can name them, that some of them are so blatant. So this I did in the biology, now I'm doing the medical sciences. So with those prepared papers, at that time pata nahi tha, usme to ye prize bhi mil gaya. Abhi kya ye prize wapas kar dega? No. Kyun karenge? So now, these people in the committee, how they will judge the junior people doing prepared, tell me. And these are top people in India. That's what I'm saying. That's the difference between USA and here. Here top people are doing this. So it is a very difficult task actually. And जो personally मैं feel करता हूँ कि अगर top level पे और जो reputed so-called scientist या so-called director or whatever वो आते हैं, तो अगर वो इस प्रैक्टिस को मतलब लेकर के चले हुए हैं और ना वहाँ पर peer पे response देते हैं किसी भी तरीके का, ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना अभी रेस्पॉन्स देना चालू हो गया। अच्छा। दो बरस से मेरा जैसे फेसबुक पेज में चल रहा है, आप निकलने का इमीडिएटली, बट वन थिंग इज लाइक दैट, अब रिट्रैक्शन भी चालू हो गया, बिकॉज पापियर तो अल्टीमेटली वो भेज देता है जर्नल में जी। सो अभी जर्नल से रिट्रैक्शन भी चालू हो गया। That kind of information actually आप जैसे बोल रहे थे कि scientific editor से बात हुई है, तो जब जो भी चाहे DBT है DST है, जब project sanction हो, at least that kind of information जो authorized person है वो उसको observe करना चाहिए कि ये PubPeer में है और यहाँ पे blog होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो government के level पे है, इसमें भी फिर ये तो हो जाना चाहिए। वो तो same चीज ही है committee में, that the DBT and other organization should write the constituents of their committees in their website so that we can check the committee members, how many of them are PubPeer. PubPeer hone ka baad wo sab band kar diya. So when you are committee constitution of those people, you don't expect the fair judgment. तो एक तो साइड ये अभी एक्चुअली कोई जो स्कॉलर है वो इस गलतफहमी में ना रहे, मैं थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोल दूं कि जो आपके नैनो साइंस में अगर आप वर्क करते हैं या चाहे वो फिजिक्स की साइंस में, मैं अभी बात करूंगा सर, अभी बायोलॉजी और दूसरे जो मेडिकल के फील्ड है उसमें बात की है, कि आपका जो आर्टिकल है या आपका जो इमेज के इंटरप्रिटेशन है वो आप उनको अपने तक ही रख पाए, देर आर मेनी सॉफ्टवेयर बेसिकली दैट कैन इंटरप्रेट द डाटा, सो आपका इमेज मैनिपुलेशन करेंगे कहीं से, जैसे सर स्टार्टिंग में बोल रहे थे क्रॉप करेंगे, हाईलाइट करेंगे, या उसको उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, या कोई बहुत पुराना जो आपका इमेज है उसको फिर आप मैनिपुलेट करेंगे। All the technologies are available and one can easily basically identify such kind of activities. ये research ethics का एक भी जो है एक point है जो बहुत ये local या जो छोटे level के scholars हैं वो नहीं करते हैं, ये थोड़ा higher level के जो हैं वो ही इसको करते हैं, तो this point basically is very dangerous for the research. And second point जो मेरे माइंड में आ रहा था और जहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि घोस्ट राइटर्स जो है एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो कि वो उस हायर लेवल पे है या नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे इतना तो है कि यू आर डायरेक्ट, मैं एक्चुअली बहुत छोटा हूँ और अगर उस पॉइंट को बोल दूंगा तो आपके तो बहुत एनिमी है, मेरे तो मुझको, मैं तो इधर उधर हो जाऊं, लेकिन फिर भी उस पोजीशन पर चाहे आप जो को ऑथर है, इफ यू आर को ऑथर एंड यू आर पार्ट ऑफ ए पीयर रिव्यू टीम, तो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी वेदर यू वर इन्वॉल्व इन टू दैट रिसर्च और नो। So many times, if you are counting your paper that you have 500 paper or 300 papers, you are basically including your name because of that you are heading the position. एक ये जो problem है, ये क्या इसमें research integrity को spoil नहीं करता? Definitely, definitely. When you are doing experimental science specifically, how can you have 1,000 papers?
That see that that is not correct. That when you are growing up, you are very famous in India. Then people will put your name there. See that that those statistics. That there are lots of things we can do, and you will find there are statistics in the national laboratories that before and after becoming director, all of us, you see the becoming director within 1 year, your CV is flooded with papers. But uske pehle to aap wahi the na. So achanak how your paper jump that 20-fold, 30-fold immediately after that thing. Right. Because in that structure that people are putting your name and you are accepting. When you are accepting, that is that with every co-author also. Forget that why we are only telling that. Only all co-author also have to know the paper. Jiska naam de raha hai, usko to ek baar paper padhna uchit hai na. Then whenever your name is there for whatever the contributions you have, but onus is on you to read the paper also. Wo bhi hum log hamara kaam nahi karte thik dhang se. So number because we are counting numbers, we are not interested in the material, what is the discovery. That is one of the fundamental problems is actually dimag jaisa kha raha hai Indian science ko. That now situation, because is the sense is that award-based evolution. You can ask Professor Lakhotia whether he agrees with me. This award-based evaluation system is actually killing these things. Yes. And this award, then people knows, is depends on the number and impact factor, and not on the fundamental discovery or what you discover. That, and uske liye that if you go one chain behind, then that committee never goes inside. Rarely goes after reading the papers and other things. They only count the numbers and impact. Aar kuch nahi. And because of that, so this case solvable, but ye solve karne ke liye ek saath baith ke kisi ko penalty dene ka bhi zarurat nahi. If we want to solve this thing, if we want an environment, then we need to improve fast the university infrastructure and university. We need to recruit good quality manpower, and then we start to inculcate this ethical class, morality class, digital manipulation class very early, and then we stop this award-based evaluation system. University system improve nahi hoga. Country will never be improved. That is period. And university system improve karne ka koi koshish hi hum log nahi karte hai. So these are all interlinked. उसके बाद क्यों नहीं होगा, इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव नहीं होके जाएगा क्या? That if we start doing these in calculation, but if we know that number of paper matters, then again you know that you get Bhatnagar Award, then you will life long you will be pampered. So, but I told you biological Bhatnagar Awardee, I can show you with the examples the blatant manipulations. But you are not taking any steps. So ek do jagah mein step lena hai aur total change karna hai. Because see that what is the difference between university research environment and national laboratory research environment. That's what I'm saying, national laboratory cannot match with the university, because university system, they are social science, English, history, everything padhaya jata hai. So when you are in physics, you are mixing with the students and the faculties with the social science, English. So how they debate, because you will have to admit, when I am in GNU social science and dekhta hu how they debate, oh my god, we cannot speak like that. So then the student can enrich their bolna, that logic, so your paper writing skill improves. And then when I am there, I have a in the coffee room, I can discuss with a physics person, and that physics person can give me a different angle, different aspect of my own research. Ye possible nahi hai national laboratory mein. Ye kab my country will understand, I have no idea. But university system, aur university ko kya karke rakha hai, kuch state, kuch central, koi ek bachcha ka do maa baap ho sakta hai kya? So kyun education will be everyone structure, and there best of the faculty should be recruited in the universities.
एंड यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर थिंग, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंस विल रिक्वायर ऑलवेज ए बेटर मनी, मोर मनी देन सोशल साइंस. उधर में फिर मारापीटा चालू हो जाएगा, उसको क्यों ज्यादा पैसा दिया, बट इट डिमांड्स दैट वेयर एक्सपेरिमेंटल साइंस इट डिमांड्स मोर मनी. सो दिस इज सॉल्वेबल, बट दिस वी नीड टू सॉल्व कलेक्टिवली एंड देन यू विल फाइंड दिस थिंग इज गोइंग. But otherwise, in this system, specifically award-based evaluation system, no hope. तो और जो अब थोड़ा concluding, अगर जो मेरा mind में अभी impression आए, तो वो similar है कि जो characterization हुआ है अभी research का, वो एक individual character है और एक जो institutional responsibility है to evaluate the research at their own end. तो यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशंस का जो रिसर्च हेड है या जो भी अथराइज्ड पर्सन है, वो एक्चुअली इंडिविजुअल जो रिसर्च है, रिसर्चर है, उसकी जो आउटकम्स है पहले उसको जज करे. लेकिन फिर वही देर आर सो मेनी फैक्टर, अभी रैंकिंग का भी आ जाएगा, फिर दूसरे तीसरे चीजें आ जाएंगे, तो वही है अल्टीमेटली हम वहीं पे पहुंच जाते हैं कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है वो मैटर करता है और उसी वो घूम करके अवार्ड्स वगैरह वो सभी चीज आ जाती है. तो जब तक ये मुझको लगता है कि जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और जो इंपैक्ट फैक्टर के जो पैरामीटर्स हैं फ्रॉम द रिसर्च, ये इन्वॉल्व रहेंगे, तब तक एसोसिएटेड जितनी भी फंक्शनिंग है वो चलती रहेगी. क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग थ्रू द रिसर्च पेपर, नंबर ऑफ द रिसर्च पेपर एंड नंबर ऑफ द जो उनका एक्युमुलेशन होगा इंपैक्ट फैक्टर का, एच इंडेक्स का, वो जब तक चीजें रहेंगी तो उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं. एक किसी सर्टेन स्टेज पे वो जो उनके अपने पैरामीटर हैं या स्टैटिस्टिक्स लेवल पे जो भी कुछ रहा है, तो उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो पॉइंट है, जो मुझको समझ में आया है कि प्राइमरी स्टेज पर जो है इंस्टीट्यूशंस जो है, अगर वो एक चेक रख ले अपने रिसर्चर पे, तो वहां से भी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है. यू सी दैट वी कैन नॉट इग्नोर व्हाटएवर यू से इज करेक्ट, बट वी हैव अ सिस्टम वी कैन फॉलो. इफ यू सी द यूएसए सिस्टम, उधर में भी तो ये फॉलो करते हैं, बट दे नो व्हाट इज फंडामेंटल डिस्कवरी और व्हाट इज नॉट फंडामेंटल डिस्कवरी. वी कैनॉट depend up too much on in a single thing. See that impact factor 1 and impact factor 2, there is no difference. No, but if you cluster them, discipline, like those 1 to 5 and 5 to 10, then usme difference hai, 10 to 15 out difference hai. Why? For simple reason. See, if you see that, I hope that Professor Lakhotia will agree that how many of Indian from India are in the editorial board of 10 plus impact factor journal. Very limited. That ek haath mein aap gun sakte hai. So the editorial board, if you see editorial board of Science Nature Science, Cell and lower journal, koi journal, then you see the editorial board farak hai. So ye ek do impact factor mein difference nahi hai, do teen mein difference nahi hai, but if you cluster, then you will find there are difference. See that any American society journals, you see their editorial board, kitna Nobel award is hai, and these are society journal. And now another thing is that what you are touching, predatory journals and others. See, Scientific Reports is also a kind of predatory journals, that whether you agree or not, that I know because I am in the editorial board, that ek paper ko udhar se reject karne ke liye mere ko fight karna padta hai, because they are not willing to reject that paper, because more than 1 lakh rupees per these things. So this is simple statistics. Remove that, after Scientific Reports or PLOS ONE coming, all of a sudden many of our publication rate increase ho gaya. So this is a holistic approach. I'm not saying that it's they are also having some good papers, but my point is like that these Scientific Reports and PLOS ONE also gives you to publish negative results. When we can publish negative results also, then why we fudge data? Then now ye 10 baras 20 baras pehle koi chara nahi tha, any negative data we couldn't publish. But right now, this kind of journals giving you a platform to publish your negative data also.
So negative data is very much important because later budget will not be thrown into that. Many other investigators will be happy. So when we know that we can publish our negative data also, so then we data. So these are the training, these are the curriculum oriented classes we need to teach the young researchers. And it's a holistic process. If we can do this one by one in a systematic way, there are honest persons in our science also, there are good persons in our science also, then we can change. But to change, we'll have to take a deep breath and start. Because otherwise, sometimes today or tomorrow, when you are going, because ye papier itna ek balance kar diya, the people will know from which lab you are coming. देखो हमारा देश में सीनियर बंदा को राइट नाउ कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर पपियर और नॉट, बट द फास्टर था जिसका नाम है उसका फर्क पड़ता है बिकॉज द पीपल हु विल रिक्रूट वो देख करके उसको निकल देगा. एंड ये असर जैसे ही चालू होगा दैट पीपल विल नॉट इंडियन टेक इंडियन स्टूडेंट्स एज ए पोस्ट डॉक, पीपल विल नॉट डू लाइक दैट, देन इट विल स्टार्ट. बट आई होप this thing will go not that farther. Before that, we can start taking actions and improve our science. But again, we will have to improve our university system. If we think with the national laboratory, we will that govern the entire science, we are living in fool's paradise. National laboratory rahe or nahi rahe, doesn't matter. They should do government mandate because I work in the both sides. University system should be created because there only you can have the license to do that blue sky research. There you have the license to do whatever your passion lies there. So the point is abhi jo conclusion mein mujhko abhi aap pehle to main bahut zyada thankful hu is baat ke liye ki aapne time diya. फिर एक जो sensitization है for the young scholars उनको भी थोड़ा हिंट मिला होगा अभी एक्चुअली यूजी और जो पीजी स्टूडेंट्स हैं ये कुछ पॉइंट्स को सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं कि इमेज मैनिपुलेशन क्या होगा, रिसर्च एथिक्स कुछ होता है लेकिन रिसर्च एथिक्स के कितने कंपोनेंट हैं और वो कहाँ कहाँ किस तरीके से रिसर्च इंटीग्रिटी को स्पॉइल कर सकते हैं और जो मोटिवेशंस हैं मोटिवेशन रिसर्च के लिए मोटिवेशन अभी जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ फेलोशिप्स हैं कुछ अवार्ड्स हैं वो एक जेन्युइन जो एक हम मोटिवेशन कहे या ओरिजिनल जो मोटिवेशन था जो हम लोगों के ओल्ड साइंटिस्ट थे या जिन लोगों ने फाउंडेशन रखी है इन इंडिया फॉर द रिसर्च तो वो हम लोगों के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे. तो जो एक नेचुरल और जो हेल्दी एनवायरनमेंट है फॉर द रिसर्च कल्चर का वो डेवलप होगा और कोई भी ऐसा इमेज मैनिपुलेशन डाटा मैनिपुलेशन ना हो. तो एक तो स्कॉलर्स की अवेयरनेस जो बड़े लोग हैं एक्चुअली वो हो चुके हैं और वो अब कितना कर सकते हैं लेकिन जो यंग जनरेशन है जो स्कॉलर्स हैं एक्चुअली अगर हम उनको सेंसिटाइज करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर ये एक एक्टिविटी जैसे आपने बोला कि ऐसी लेकर के या स्टार्ट हो तो वो फ्रूटफुल होगा फॉर द फ्यूचर. Sure, because we also have that if we see that more and more that globally successful scientists you will find in India, more and more they will be role model. That here that even that G.N. Ramachandran did shoulder to shoulder work with those top people at that time. So if you see in the modern era, Ashok Sen got the coveted best prize in the math. With those string theory and everything that he exists. So this kind of people in India, because we are 125 crores almost, so there will be in a, no matter how many school, that will be a huge number. So we do not have less talent, but we need to that rectify the system. We need to come together and holistically change. So it all together. But end of the day, always I will tell that your university system developed, your country will be developed. Your university system is ruined, that you will never be improved. Oh, fundamental thing, oh, that I believe strongly.
सो थैंक यू सो मच सर, आप आपके टाइम के लिए और जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से आई है, कितना ही नई चीज़ें मुझको भी पता लगा है, और मैं ट्राई करूंगा फिर किसी जो पॉइंट है, एक्चुअली ये जो रिसर्च इंटीग्रिटी है इसको मैं थीम लेकर के चला हूँ, और मेरा जो पर्पज है वो पीजी स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना है सबसे पहले अबाउट टू द रिसर्च, और एक अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में आई है काफी ऑब्जर्वेशन के बाद में कि जो रिसर्च स्पॉयल हुई है, लखोटिया सर के साथ भी मैंने वही बात की कि उसका रीजन ये है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की जो अवेयरनेस है वो फॉर द मैनकाइंड फॉर द सोसाइटी कैसे यूजफुल हो सकता है उसका आइडिया रिसर्चर्स को नहीं है, दे आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन दी जो थर्ड कैटेगरी आर्टिकल्स है, दे बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर, दे रीड द रिसर्च पेपर्स, थर्ड कैटेगरी रिसर्च पेपर एंड डू द रिसर्च फ्रॉम देयर। तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल जो साइंस की आप बात कर रहे हैं या जो ओरिजिनल साइंस है वो वहां तक अप्रोच ही नहीं कर पाता उनका माइंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपना सारा जो टाइम है इधर उधर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, और वहां पे ही जो ये रिसर्च एथिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। Because they know that other activities will give them bonus later, na? More and more committee, and they will go to the people, they will belong to the club. But thing is like that, if I think fundamentally research, there's a process of science which is clean for any subject. It starts from a fundamental question. That question, no matter where you form the question. And to solve the question, you need tools. Tools are in biomedical field, cell biology, molecular biology, everything. But a student comes to you, which area, which research you want to do, they will say molecular biology, cell biology, but those are the tool. So you will have to understand the question. For that, you need to have a basic. And then using the tool, you solve the question. That's the process of science. So another thing is messing up there. In our project, always we ask for a product. So there will be a clear cut thing. If I have a fundamental discovery, then eventually that will give a way for human benefit. But from very beginning, if I want to fit there, so two ways. One way I do only fundamental science. Other way, my question starts from a problem which is already affecting some people. Then I'll have to go to the industry and ask what is the problem you are facing, and then I will try to solve my problem. Here kya ho raha hai, CSR mein or any national laboratory mein, I do something, later I fit to that puzzle to that industry another. Wo misfit hi hota hai. In those scenario, I will have to start from the industry, what problem they have, and then I solve the problem. Here I'm doing something, and then my peer pressure is saying it should be of industrial application. I go take my product and try to fit there. It will always will be misfit. So there are two ways. That's what I'm saying, in university system, we should go with the passion and fundamental science, asking the question which is relevant and very important. And in the national laboratories, we will work for the nation's mandate, and there we will tag along with the industry. We will go to the industry for the question, and that will solve. It's a very simplistic way I'm telling, but maybe that is the true. In national laboratory, that question starts from the industries or the problem. And in the universities, we do majorly blue sky research. And that blue sky research, if it is important, then I will get the funding. If not, then after that, if I recruit 20 assistant professor at a time, and I give them, say, 1 crore each or 50 lakh each to establish themselves. And after 5 years or seven years, I will see what they are doing. Then immediately I understand within these 10 or 20 people, how many of them are real, can have the creativity and other things. Then I nurture those two or three more, and other will nurture them in the teaching and others. It's very simplistic, but in that way you can decide that creativity will not be same in everybody's way. Maybe that person is more creative when cooking. One person is more creative in making something. So it's a different thing. We cannot expect that if I recruit 20 assistant professor, 20 will be world beater. ये अमेरिका में भी नहीं होता, यूरोप में भी नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये ना। हाँ, ये जनरल सिस्टम में भी। तो सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और बड़ा अच्छा लगा मुझको पर्सनली टू गेट सम काइंड दिस एक्सपोजर।
तो अभी आज का जो मैं अगर कंक्लूड करूंगा दोबारा फिर इस पॉइंट को, तो यही रहेगा कि आज हम लोगों ने ब्रॉड स्कोप में बात की है सर, और मैं आपको दोबारा फिर जो है चाहूंगा कि हम लोग किसी माइक्रोस्कोपिक के टॉपिक को लेकर के जो यंग स्कॉलर्स हैं उनको थोड़ा सेंसिटाइज करते रहें, जो भी छोटे छोटे ग्रुप हैं उनके साथ में, तो इस तरीके से थोड़ा एक अवेयरनेस भी आएगी और पीपल विल गेट सेंसिटाइज आल्सो। सो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू डॉक्टर सुशील थैंक यू, कुमार, थैंक यू थैंक यू सो प्रोफेसर मच, लाखोटिया, इट्स नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू, फिर थैंक यू, मिलेंगे। ओके सर।